दिवाली सेलिब्रेशन का एक विशेष महत्व विशेष पर्व यहाँ मनाया जा रहा है, जिसमें सभी हाउसेज ने अपनी अपनी तैयारियाँ की हैं और विशेष तैयारी के साथ में यहाँ पर सबसे पहले येलो हाउस का निरीक्षण करने हम जा रहे हैं। येलो हाउस में बहुत अच्छी जो है डेकोरेशन सभी पूरे हाउस ने किया है और इतना अच्छा उन्होंने ये रंगोली सजाई है, वास्तव में देखने लायक है। और यहाँ पर राम दरबार यहाँ सीता जी भी हैं, लक्ष्मण जी भी हैं, रामचंद्र जी भी हैं और हनुमान जी तो विशेष रूप से बहुत अच्छे लग रहे हैं। जय जय श्री राम और जय जय श्री राम। यहाँ पे इन सभी लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी, शुभम सर इन्होंने, ये हाउस के कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की है। सभी हाउसेस को बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी की है। अब चलते हैं अपन रेड हाउस की ओर। सबसे पहले वेलकम, यहाँ वेलकम है और स्वागत किया जा रहा है जो आए हुए अतिथि हैं उनका। और सबसे पहले जो झलकी है वो राम दरबार, रामचंद्र जी वनवास से लौट रहे हैं और वनवास से लौटते हुए रामचंद्र जी ने यहाँ पर आए, इसलिए यहाँ दिवाली मनाई जा रही है, ये चीज़ यहाँ प्रदर्शित की गई है। इसके बाद में हाउस के कैप्टन मुकेश शिवारी सर के निर्देशन में निरीक्षण करते हुए और बहुत अच्छी तैयारी यहाँ पर की है लक्ष्मी जी, गणेश जी और सरस्वती जी, इनका बहुत अच्छा यहाँ पर झांकी लगाई गई है उसके द्वारा। और इसके साथ साथ एक बहुत अच्छी रंगोली, फूलों की रंगोली यहाँ मनाई गई है जो कि वास्तव में दर्शनीय है। सभी अतिथियों द्वारा यहाँ पर इसका प्रशंसा की गई है, अतिथियों द्वारा इसकी, और हमारे BS दुबे सर और ये हमारी, इन्होंने विशेष रूप से बहुत अच्छी प्रदर्शनी लगाई है जिसमें दिवाली सेलिब्रेशन और गोवर्धन पूजा और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रदूषण मुक्त दिवाली और कपड़े के बैग, प्लास्टिक के बैग को ना कहें, इस तरह की भारत के विकास से नाता जोड़ो, पॉलीथीन के प्रयोग को अब छोड़ो, इस तरह का संदेश देते हुए रेड हाउस वास्तव में प्रथम का हकदार नज़र आ रहा है। बहुत शानदार, बहुत बहुत बधाई रेड हाउस के लिए। अब आते हैं हम ग्रीन हाउस की ओर। सबसे पहले दीपेश अवस्थी सर यहाँ ग्रीन हाउस में वेलकम करते हुए और वेलकम द्वारा जो है अतिथियों का स्वागत किया जा रहा है। अनुराग सर हाउस के कैप्टन, गोपाल सर, मनीराम मिश्रा जी, हैप्पी दिवाली आपको भी। बहुत अच्छा संदेश यहाँ लिखा हुआ है, बॉयकॉट प्लास्टिक, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी, उनका कैंपेन चल रहा है, उन्होंने विशेष रूप से आग्रह किया है सभी से। और ये रंगोली बहुत शानदार रंगोली यहाँ बनाई है इन्होंने और ये पारंपरिक पूजन जो किया जाता है उसको प्रदर्शित किया गया है। पारंपरिक पूजन किस तरह से किया जाता है, सारी आप देखिए थाली में जो है पूरी सामग्री रखी हुई है और पूजन की सारी चीज़ें, वृक्ष है तो जल है, जल है तो कल है, क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया, बहुत अच्छा संदेश ग्रीन हाउस द्वारा दिया गया है। और लक्ष्मी जी, गणेश जी और सरस्वती जी, बहुत अच्छी झांकी ग्रीन हाउस के द्वारा और ये हमारे इनके निर्देशन में पूरा ग्रीन हाउस का पंडाल सजा है। श्री अनुराग राय जी ये हाउस के कैप्टन है ग्रीन हाउस के, बहुत बहुत बधाई पूरे ग्रीन हाउस के लिए। अब आते हैं हम ब्लू हाउस की ओर। ब्लू हाउस ने बहुत अच्छा वेलकम तैयार किया है अपने गेस्ट के लिए। ये ब्लू हाउस की रंगोली बहुत सुंदर रंगोली है और इन्होंने जो प्रदर्शित किया है, ये इन्होंने जो ट्रेडिशनल जो पारंपरिक त्यौहार जो मनाया जाता है 5 दिन का, उसको प्रदर्शित किया गया है। सबसे पहले धनतेरस पे हम कुबेर जी की पूजा करते हैं और श्री कुबेराय नमः, ये इस प्रकार से उन्होंने तैयारी की है। फिर छोटी दीपावली का पूजन, और इस तरह छोटी दीपावली का पूजन किया जाता है, ये प्रदर्शित किया है। फिर आता है श्री लक्ष्मी गणेश सरस्वती जी का पूजन, हम घर पर किस प्रकार से पूजन करते हैं ये प्रदर्शित किया गया है। और क्षीर सागर में विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी जो है विराजमान हैं, उसको प्रदर्शित किया है और सुंदर रंगोली से दीपक बनाया गया है।
फिर चौथे दिन आता है गोवर्धन, गोवर्धन की पूजा, और उसमें खाने का आहा क्या स्वाद है, कढ़ी, राम भाजा, पूड़ी, चावल, ये प्रकार की सारी चीज़ें यहाँ प्रदर्शित हैं, पूजन की सारी सामग्री। इसी के साथ भाई दोज को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है कि भाई दोज में किस प्रकार से पूजन किया जाता है वो यहाँ पर बताया गया है कि हमारे पांचवें दिन भाई दोज मनाया जाता है। अब आते हैं हम, इन्होंने जो संदेश दिया है वो सेफ बर्ड, यानी कि हम कहीं ना कहीं टॉवर्स और मोबाइल की रेंज के द्वारा हम अपने पशु पक्षियों को पर नुकसान पहुंचा रहे हैं और कहीं ना कहीं हम उन्हें क्षति पहुंचा रहे हैं। तो जो सेफ बर्ड का उन्होंने संदेश दिया है, बहुत अच्छा संदेश दिया है, बर्ड फ्लाई करते हुए आकाश में, पर एक जो है बर्ड जो है अंदर है इसके अंदर जाल में। तो उन्होंने संदेश दिया है कि अगर पक्षी रहेंगे तो पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद। दीपावली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।